नवरात्रि में माता टेकरी पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेगी, बैठक में की गई चर्चा और लिए गए निर्णय तथा दिए गए दिशा निर्देश। कलेक्टर चंद्रमौलि शुक्ला ने नवरात्रि पर्व की तैयारियों और टेकरी परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए माँ चामुंडा टेकरी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह चावला, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, SDM प्रदीप सोनी, DSP किरण शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा भीड़ आएगी। टेकरी पर सौंदर्यकरण कार्य 5 तारीख तक पूर्ण कर ले। जो कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। अन्य जिलों के श्रद्धालु भी दर्शन करने आएंगे। पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए, रास्ते पर रोशनी की व्यवस्था की जाए। अभी निरीक्षण कर देख ले कि कहीं पर लाइट बंद है तो नहीं। जहाँ पर ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता है वहाँ पर ज़्यादा लाइट और अच्छी क्वालिटी की लाइट लगाए। कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि माता टेकरी पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। नवरात्रि पर माताजी के दर्शन के लिए देवास शहर के मुख्य स्थानों पर LED स्क्रीनें लगाई जाए, जिस पर माताजी के लाइव दर्शन हो। श्रद्धालुओं को ऑन डिमांड घर पर प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। COVID-19 गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थलों पर एक साथ 100 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति न हो। COVID-19 गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जाए। टेकरी पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि शहर में आने वाले प्रमुख मार्गों को व्यवस्थित करने के लिए बैठक बुलाए। टेकरी पर अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए। जो भी व्यवस्था रहेगी मंदिर समिति करेगी। मार्ग में किसी भी प्रकार की दुकान नहीं लगे, इसका विशेष ध्यान रखें। पार्किंग सड़क पर ना हो, निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करवाए। कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग करें। सभी अधिकारी ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण कर ले। कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि छोटी माता मंदिर में रजतीकरण कार्य किया जा रहा है। मैंने भी छोटी माता मंदिर में रजतीकरण कार्य के लिए चांदी दान की है। आप सभी भी इस कार्य में चांदी दान कर सकते हैं और दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कलेक्टर श्री चंद्रमौलि शुक्ला ने कहा कि 7 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। हमें COVID-19 की गाइडलाइन का पालन भी करवाना है। दर्शनार्थियों की भीड़ एक साथ ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। सिर्फ मंदिर समिति की प्रसाद की दुकानें ही लगेगी, अन्य दुकानों को अनुमति नहीं होगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को ऑनलाइन दर्शन के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर श्री शुक्ला ने नगर निगम को निर्देश दिए कि परिक्रमा मार्ग, सीढ़ी मार्ग, रपट मार्ग एवं संपूर्ण टेकरी का साफ सफाई कार्य समय रहते कर ले। टेकरी के प्रमुख स्थानों पर फिक्स डस्टबिन लगाए और प्रतिदिन कचरे का संग्रहण कार्य किया जाए। स्ट्रीट लाइट और अन्य लाइटों को दुरुस्त कर लिया जाए। संपूर्ण टेकरी पर स्थल पर नवरात्रि के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि वन विभाग टेकरी क्षेत्र में रास्ते पर वृक्षों की छटाई कार्य करे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को COVID-19 को ध्यान में रखते हुए शंख द्वार, सीढ़ी द्वार, जैन मंदिर पर पर्याप्त मात्रा में काउंटर लगाए। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क वितरण तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। MPEB टेकरी क्षेत्र में विद्युत पोल, स्ट्रीट लाइट एवं झूलते तारों को सही करें। विद्युत कनेक्शन की जांच कर ले। नवरात्रि के समय संपूर्ण टेकरी पर सतत विद्युत व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए। लोक निर्माण विभाग टेकरी मार्ग पर रेलिंग लगाए। रेलिंग की पुताई, रिपेयरिंग संबंधित कार्य कर ले। नवरात्रि के समय पार्किंग स्थल से लेकर संपूर्ण टेकरी क्षेत्र पर आवश्यक स्थलों पर बैरिकेड्स की व्यवस्था करें। अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने कहा कि PWD बैरिकेडिंग की व्यवस्था अच्छे से कर ले। इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ रहेगी। आखिरी के 4 दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। अधिक से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए। श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने की व्यवस्था करें। पुलिस विभाग प्रतिवर्ष अनुसार संपूर्ण नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं भीड़भाड़ प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। संपूर्ण क्षेत्र में नीचे का परिक्रमा पथ और ऊपर से परिक्रमा पथ पर दिन में 2 बार चिता पार्टी का द्वारा गश्त लगाया जाएगा। वाहनों की पार्किंग व्यवस्था प्रति वर्षानुसार निःशुल्क रखी जाएगी। पार्किंग व्यवस्था पुलिस DRP लाइन देवास एवं स्टेशन रोड पर रहेगी। आपके ही काम पर आसपास के शहरों से भी काफी जो है
अपने लिए भी महत्वपूर्ण है कि विवाह से रहते हुए शादी नवरात्रि जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है और इस पूरे इवेंट से शहर की वेडिंग भी अच्छी तरह से होती है। तो दो तीन चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि तो जो बचे हुए हमारे पास 15-15 है इसमें मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य जितना कर सकते हो उसको 5 तारीख तक कभी करना मुश्किल। जैसे आई नॉट दी सेम पर अभी मैं जब नीचे से आया गेट से अपनी गाड़ी से तो मैं नोटिस करता था कहाँ कहाँ का काम चल रहा है। तो मेरे 3 जगह 5-7 ईंट एक बोरी रेती एक लेबर इस तरह से दैट्स नॉट द वे वी